नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मशहूर एक्टर डायरेक्टर आशीष कुमार। जी हाँ, आशीष कुमार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, जी हाँ दोस्तों, इनकी एक फिल्म ऐसी है जिसे हम संतोषी माँ के नाम से जानते हैं, जो शोले के सामने रिलीज हुई थी और सुपर हिट फिल्म थी। ये इतने लो बजट की पिक्चर थी और शोले जो बहुत बड़े बजट की थी, लेकिन दोनों का बिजनेस लगभग एक बराबर हुआ था। आशीष कुमार क्लासिक युग के दौरान बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा से जुड़े एक अभिनेता और निर्देशक थे। ज्यादातर पर्दों पर पौराणिक भूमिका निभाने के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1979 में आई, उसके बाद जय संतोषी माँ 1975 में आई, और फिर आई द्वारकाधीश जो कि 1977 में आई। ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं जिनके लिए इन्हें सदैव याद किया जाएगा। जय संतोषी माँ 1970 के दशक की एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। इन्होंने पर्दे पर मुख्य और सहायक दोनों भूमिकाएं बॉलीवुड और बंगाली दोनों सिनेमाओं में काम किया। इनका विवाह प्रसिद्ध अभिनेत्री नृत्यांगना बेला बोस से हुआ। यह दोस्तों, बेला बोस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में इनका भी जीवन परिचय आप देख सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया एक्टर थी और बहुत बढ़िया नृत्यांगना थी। इनके साथ इनका विवाह हुआ था। दोस्तों, इन्होंने बेला के साथ 1960 के दशक में कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में स्क्रीन साझा भी किया था। आशीष कुमार को आशीष कुमार के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले वो बंगाली सेना का हिस्सा थे। उन्होंने कई सारी बंगाली फिल्मों में काम किया। वो ज्यादातर पौराणिक शैली से संबंधित फिल्मों से जुड़े रहे। 1960 से 1970 के दशक में अपने करियर के चरम पर थे, जब पौराणिक फिल्मों की मांग बहुत अधिक थी। हालांकि 1970 के दशक की एक्शन से भरपूर फिल्म के लिए जाने जाने वाला वर्ष इस वर्ष हुई थी जय संतोषी माँ, और उनके ठीक सामने पिक्चर रिलीज हुई थी शोले। दोस्तों, जय संतोषी माँ जैसी उनकी फिल्में कई हफ्तों तक सिनेमाघर में हाउसफुल चली। लगभग उसी समय एक प्रतिष्ठित फिल्म शोले भी रिलीज हुई, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ऐतिहासिक फिल्म जय संतोषी माँ 1975 में एक राष्ट्रीय उन्माद के रूप में उभरी। आशीष कुमार की पहली बंगाली फिल्म 1954 में आई, इस फिल्म का नाम था बालाय ग्रास। उसके बाद आशा, सोनार कोठी इत्यादि फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1960 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्म में बेहतर अवसर की तलाश में मुंबई चले आए। 1963 में फूल बने अंगारे उनकी पहली श्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने भारत मिलाप किया, बहू बेटी, बीवी और मकान, नाग पंचमी, सीताराम, राधेश्याम, संपूर्ण देवी दर्शन, बीवी और मकान उनकी दुर्लभ कृतियों में है। जब वे इसका हिस्सा बने, वो एक कॉमेडी ड्रामा जो उनकी पौराणिक भूमिकाओं से बिल्कुल अलग थी। 1966 में आई इस फिल्म में उन्होंने शेखर की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आशीष कुमार ये एक बहुत बढ़िया निर्देशक भी थे। उन्होंने कई फिल्में बनाई और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इनकी मृत्यु 23 नवंबर 2013 को गोवा में हुई। इनकी महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम 1954 बालाय ग्रास, 1956 आशा, 1958 सोनार काठी, 1960 रतनलाल बंगाली, 1960 गरीबर में, 1963 फूल बने अंगारे, 1965 भरत मिलाप, 1965 बहू बेटी, 1966 बीवी और मकान, 1958 बलराम श्री कृष्ण, 1959 सूर्य देवता, 1959 नतीजा, 1971 संपूर्ण देवी दर्शन, 1972 नागपंचमी, 1972 महाशिवरात्रि, 1973 सीताराम राधेश्याम, 1974 हनुमान विजय, 1975 जय संतोषी माँ, 1975 डाकू और भगवान, 1976 मीरा श्याम,
1976 जय महालक्ष्मी माँ, 1976 भगवान समाये संसार में, 1977 16 शुक्रवार, 1977 जय द्वारकाधीश इसमें भगवान श्री कृष्ण बने थे, 1977 जय अम्बे माँ, 1977 गायत्री महिमा, 1978 करवा चौथ, 1978 गंगा सागर, 1979 हर हर गंगे, 1979 राजा हरिश्चंद्र, 1980 बद्रीनाथ धाम, 1983 नवरात्रि, 1983 संत रविदास की अमर कहानी, ये इनकी अंतिम फिल्म थी। आशीष सेन ने कुछ फिल्मों में सह अभिनेत्री बेला बोस के साथ काम किया और फिर उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।